सो गाइस आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दो बाइक्स हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, CBR 250R एंड पल्सर RS 200। तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड देखते हैं कंपैरिजन वीडियोस की। सो गाइस CBR जो आती है वो है 250cc इंजन के साथ एंड इसमें है ऑयल कूल्ड इंजन। एंड जो पल्सर RS 200 है वो है 200cc का इंजन एंड इसमें है लिक्विड कूल्ड इंजन। देन बात करें अगर हेडलाइट्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें है हैलोजन बल्ब एंड इसमें भी काफ़ी अच्छी रोशनी आती है। बट आप यहाँ RS 200 में देख सकते हैं इसमें है ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि रोशनी के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही जो है फुल फेयरिंग बाइक है, आप देख सकते हैं इसमें कोई लेग गार्ड नहीं होता। तो आई गेस इसमें भी अभी तक फ्रेम स्लाइडर लगाने तक का कोई जुगाड़ अभी तक बना नहीं है। बट RS 200 के लिए जो है फ्रेम स्लाइडर्स का जो इंडियन जुगाड़ जो होता है वो निकल चुका है। तो फुल फेयरिंग बाइक्स है वो तो आपको देख के ही ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार गिरने पे ही बाइक का जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बात करें टायर की, जो कि ग्रिपिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे आपको मिल जाता है 110/70/17, इसमें भी सेम है 110/70/17। एंड बात करें बैक टायर की, तो RS 200 में है 130/70/17 एंड CBR में आता है 140/70/17। तो बैक टायर के मामले में वो एक पॉइंट आगे है। सो एक मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं सर्विसिंग। तो जो CBR 250R है उसमें अप्रॉक्स जो सर्विस कॉस्ट आती है 3,000-3,500 की कॉस्ट आती है। एंड जो RS 200 की कॉस्ट आती है वो भी अप्रॉक्स, अगर आप बेसिक सर्विस कराते हैं तो 2,500 या 3,000 के अप्रॉक्स आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम ही खर्चा आता है सर्विस में। बट CBR का जो है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि जो होंडा की बाइक से उसमें थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट जो है ज़्यादा रहता है, बजाज जो है इंडियन बाइक का तो उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। एंड बात करें अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है CBR में ग्राउंड क्लियरेंस कम है एज़ कंपेरिजन टू पल्सर RS 200। तो आप यहीं से कंपेयर करके देख सकते हैं कि CBR में जो ग्राउंड क्लियरेंस हो रहा थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू RS 200। एंड बात करें अगर पिकअप की एंड टॉप स्पीड की, तो कंपनी इसका क्लेम करती है 141 किलोमीटर पर आवर, बट इसकी टॉप स्पीड बंदों ने ली हुई है 160 तक भी भगाई हुई है एंड मैंने जो है इसको 154 अचीव करी है। वहीं अगर बात करें CBR 250R की, तो कंपनी क्लेम करती है 135। सो अगर बात करें पिकअप की, तो अप्रॉक्स मैं बता नहीं सकता, मैंने अपनी बाइक भी चलाई है एंड CBR भी चला चुका हूँ, तो चला के देख चुका हूँ, मुझे अप्रॉक्स जो है सेम ही लगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि कौन किस बाइक में पिकअप ज़्यादा है, तो इन दोनों की जो ड्रैग रेस होने वाली है बहुत जल्द इसी चैनल पे वीडियो आने वाली है, तब तक आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सो गाइस जो CBR 250R का वेट है वो अप्रॉक्स आता है आपका 160 kg के अप्रॉक्स। एंड जो पल्सर RS 200 है उसका भी वेट है 160 kg विदाउट फ्यूल, तो फ्यूल डालने के बाद एक्स्ट्रा हो जाता है। एंड मैंने जो है इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, जैसे आप ये साइलेंसर वगैरह देख सकते हैं, तो इससे भी वेट थोड़ा सा बढ़ चुका है। बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो आप देख सकते हैं दोनों में डिस्क ब्रेक आते हैं, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है, इसमें भी आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है। बट पल्सर RS जो है वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगी आइदर स्टैंडर्ड और ABS वर्जन, तो मेरी वाली ABS वर्जन है। ABS एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा ब्रेकिंग के लिए। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोनों बाइक का मैंने आपको कंपैरिजन बताया, एग्जैक्टली देखा जाए तो कंपेयर करना दोनों बाइक को थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली जो है बाइक सिमिलर है। बाकी आप देख सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से आपको कौन सी बाइक पसंद आती है, तो बाकी तो अपना अपना चॉइस है, बंदे अपने हिसाब से परचेज करते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया। एंड जो ड्रैग रेस है बाइक की, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी मेरे ही चैनल पर, तो तब तक जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।